जय हिंद विद्यार्थियों, आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में अदिति प्रथम, प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। जिले के 18 विद्यालयों के 460 बच्चों ने किया प्रतिभाग। रावर्सगंज के राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज में हुआ आयोजन। सोनभद्र से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अनूप तिवारी की रिपोर्ट। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आपके लिए यह उत्सव है जिसमें आप अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा पर चर्चा आप बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होती है, जो आपको जीवन में हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हम सबको अवश्य सुनना चाहिए। बिना किसी दबाव के इस उत्सव में भाग लें और अपनी रचनात्मकता को सामने लाएं, ताकि आप हल्के माहौल में अपनी परीक्षा दे सकें। आपका परीक्षा का परिणाम आपके जीवन का परिणाम नहीं होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के परिणाम से घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में बेहतर काम करें। यह बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 27 जनवरी के परीक्षा पे चर्चा से पूर्व राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज रावर्सगंज पर आर्ट और पेंटिंग एग्जाम बैरियर प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय श्री राम सकल जी ने कही। इसके पूर्व माँ सरस्वती की प्रतिमा पर नगर पालिका रावर्सगंज के पूर्व चेयरमैन, साहित्यकार, चिंतक, विचारक श्रद्धेय श्री अजय शेखर जी ने और उनके साथ अन्य अतिथियों ने पुष्प अर्चन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सोनभद्र के 18 विद्यालयों के 460 बच्चों ने सहभागिता देकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कई कलाकृतियां भी बनाई। आर्ट और पेंटिंग एग्जाम बैरियर प्रतियोगिता में आदित्य अग्रवाल प्रथम स्थान पर रहीं, खुशी सिंह को दूसरा स्थान मिला, अंजलि जयसवार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में 10 सर्वश्रेष्ठ, 27 श्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। बतौर अतिथि भाजपा जिला प्रभारी श्री अशोक चौरसिया ने कहा कि ज्ञान अस्थायी है, इसे लक्ष्य बनाइए, स्वयं को जानिए, अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। आप बिना किसी दबाव के इस उत्सव में भाग लें और अपनी रचनात्मकता को सामने लाएं, ताकि आप हल्के माहौल में अपनी परीक्षाएं दे सकें। प्रतियोगिता की अध्यक्षता करें भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अजीत चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर वर्ग के लिए संवाद किया। इसी क्रम में वह बच्चों से संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह परीक्षा जीवन की परीक्षा नहीं है, इसलिए परिणाम की चिंता किए बगैर आप बेहतर नागरिक बनने के लिए काम करें। 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण का आयोजन 27 जनवरी को होगा, जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पर चर्चा का वो सुने। छात्र का भविष्य भारत का भविष्य है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छात्रों के भविष्य को निखारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक छात्र की पूंजी उसकी शिक्षा होती है, उसी पूंजी की सफलता के लिए हर छात्र प्रयास करता है। उसके लिए वह परीक्षा देता है और उस परीक्षा के दौरान छात्रों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उस नकारात्मक ऊर्जा की निराशा से बचने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से छात्रों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम और लायंस क्लब के अध्यक्ष अजीत जायसवाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। प्रतियोगिता में सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, जिला महामंत्री राम सुंदर ने साथ, संत किनाराम प्राचार्य डॉक्टर गोपाल सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री कमलेश चौबे, जिला उपाध्यक्ष श्री अशोक मौर्य, जिला मंत्री श्री कन्हैयालाल जायसवाल, श्री शंभु नारायण सिंह, श्री संतोष शुक्ला, श्री राकेश मेहता, नगर अध्यक्ष श्री बलराम सोनी, श्री संदीप चौरसिया, पुष्पा सिंह, रूबी गुप्ता, गुड़िया त्रिपाठी, अनुपम त्रिपाठी, राहुल पटेल, महेंद्र पांडे, मिठाईलाल सोली, संजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में अध्यापक अध्यापिका मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी गुप्ता ने किया। जय हिंद।